आज इटावा में अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में खड़ी एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उस बच्चे का बैंक वालों ने खजांची नाम रख दिया, जिसका आज अखिलेश यादव सैफई हवाई पट्टी पर खजांची का जन्मदिन मनाया और बताया कि ये वही महिला का बच्चा है जिसका नोटबंदी के दिन जन्म हुआ था। साथ ही नोटबंदी के मुद्दे को निशाना बनाते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, आइए सुनते हैं। वोट दिया है इसलिए ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है, नफरत फैलाने वाली पार्टी है, विकास को धोखा देने वाली पार्टी है, जनता से धोखा देकर के वोट लेने वाली पार्टी है। ये सब धोखे सब तरह का काम कर सकते हैं, वोट के लिए अगर वोट मिल जाए इन्हें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दल है, इसलिए खजांची का आज जन्मदिन हम उसको बधाई देते हैं। वहीं आपके माध्यम से हम गुजरात की जनता से कहेंगे कि इन झूठे लोगों की मदद मत करो। कल अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय जनता, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं, गुजरात में बीजेपी की क्या पोजीशन होने जा रही है वो नहीं पता, लेकिन खजांची का जन्मदिन अच्छी तरह मने, कम से कम वो तो बताएं कि खजांची और खजांची जैसे गरीब लोगों के जीवन में नोटबंदी से क्या परिवर्तन आया। गुजरात का जो इलेक्शन है उसमें विकास की जगह अब जात पे उतर आई हैं दोनों बड़ी पार्टियां, तो अब आपका स्टैंड नहीं, मैं तो ये कहता हूँ उत्तर प्रदेश में जब हम विकास की बात कह रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की बात कर रही थी, जब हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रही थी, जब मैं मेट्रो और समाजवादी पेंशन की बात कर रहा था तब वो रमजान और दिवाली की बात कर रहे थे। तो जहां विकास की बात करनी चाहिए थी, विकास का एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, गुजरात मॉडल पेश करना चाहिए था, वहां ये धोखा दे रहे थे जनता को। समाज में खाई पैदा करने का काम ये लोग कर रहे हैं, नफरत फैलाने का। आप गुजरात जा रहे हैं यूपी निकाय चुनाव में, असल में जश्न उन्हें तब मनाना चाहिए था पूरा परिणाम देख करके। हम तो बधाई आपको देंगे, आप सोलह का ही परिणाम बताते रह गए। उत्तर प्रदेश कोई सोलह केवल नगर निगम का नहीं है, यहाँ से 80 लोकसभा आती हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका। बताओ इटावा में बीजेपी कितनी जीती, कन्नौज में कितनी जीती, निर्दलीय ज्यादा जीत गए, आप बता दीजिए। औरैया में कितनी जीत गए, कानपुर देहात में बताइए, चित्रकूट में बताइए, फतेहपुर में बताइए, आप गोंडा में बताइए, और फिर अयोध्या। एक किन्नर को हराने के लिए मुख्यमंत्री 5 बार गए, केवल एक बिंदु हार जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि अधिकार मिलना चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ट्रांसजेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। क्या आपने नहीं जाना, हम भी जानते हैं। केवल एक चुनाव लड़ रहा था किन्नर, उसे बेईमानी से हरा दिया, 5 बार मुख्यमंत्री गए, सरकारी हेलीकॉप्टर को पुष्पक विमान बना दिया, और भगवान राम लक्ष्मण सीता उतर आई। अरे हमने तो बीजेपी के लोगों से कहा राम लक्ष्मण सीता से हमें भी तो मिला देते, हम भी चाय पी लेते उनके साथ, हम कोई बुरे लोग थोड़ी हैं, हम भी तो हिंदू हैं। अगर आप भगवान राम लक्ष्मण को मानते हो सीता को, तो हम भी तो आपसे ज्यादा मानते हैं। हमारे यहाँ तो हनुमान जी 100 साल से हैं सैफई में, किसी ने नहीं बताया कि 100 साल से हनुमान जी सैफई में हैं, छोटे से बड़े हो गए, किसी ने नहीं खबर बनाई। कृष्ण भगवान की खबर तो सब जगह बन गई, और याद रखना ये भगवान राम कृष्ण दोनों अवतार हैं भगवान विष्णु के, हम तो भगवान विष्णु को भी मानते हैं। और ये बात अलग है कि नेताजी ने मदद की कि पूरा देश और दुनिया ज्यादा कृष्ण भगवान को मानता है। निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं बीएसपी दिखाए। अगर पूरा चुनाव हम देख लें, 16 का हटा दें एक बार, निर्दलीय सबसे आगे रहे नंबर 1 पर, नंबर 2 पे मान लीजिए चलो बीजेपी, नंबर 3 पे समाजवादी पार्टी, नंबर 4 पे बहुजन, और कई जिले ऐसे हैं, अयोध्या फैजाबाद नगर निगम तो बेईमानी से जीत लिया आपने, पुलिस लगा करके, लाइट बंद करके, कंप्यूटर रोक करके, प्रेस के लोगों को भगा करके, लेकिन एक भी नगर पंचायत और नगर पालिका आप फैजाबाद में नहीं जीत पाए, क्या ये सच्चाई नहीं है? और फिर मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में वोट डालने गए वो वार्ड ही हार गए, जिस सभासद के लिए लखनऊ में वोट मांगने गए वो सभासद हार गया।
आज मुख्यमंत्री जी लखनऊ में एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षा देनी पड़ रही है हाईवे पे, और खासकर इटावा में मैं सुरक्षा के लिए ज़्यादा फोर्स लगा। भाई ये बताओ, इटावा में डकैत तो रहे नहीं? कोई डकैत हो तो बताओ आप। अरे प्रेस के लोग 20 चैनल हो आप, यहाँ कौन सा खतरा है बताओ? और जो खतरे की जगह थी वहाँ पर शेर दहाड़ रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए और शेर दहाड़ने वाली आवाज़ तो सुननी चाहिए, लेकिन हिम्मत चाहिए शेर की दहाड़ सुनने के लिए। कांग्रेस को आप अपना समर्थन जारी रखेंगे? वो अलग बात है, लेकिन मैं गुजरात में कहना चाहता हूँ कि सेकुलर पार्टियाँ जीतें, बीजेपी का झूठ हारना चाहिए। गुजरात आपके नफरत फैलाने वाले हारने चाहिए, और इसलिए हारने चाहिए कि बताओ ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, वो भी हमें बता के जा रहे हैं कि समाज में झगड़ा लगाने से, नफरत फैलाने से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर हमारे देश को अमेरिका बनना है, हमारे देश को यूरोप से आगे जाना है, तो सब जात धर्म भूलना पड़ेगा और विकास के रास्ते पे जाना पड़ेगा। हम विकास की बात कर रहे हैं, ये जात और धर्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि परिणाम मेरे पास है और ये रिपोर्ट अंग्रेजी में है, लेकिन मैं दूंगा कुछ पत्रकारों को, आपस में देख लेना। हालांकि वो अखबारों के लेख, अखबारों में तरह तरह की चीजें लिखी गई हैं, नोटबंदी से कोई लाभ नहीं हुआ है। देश का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान हुआ, और गरीब का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। गरीब को लगा कि नफरत से कि अमीर का नुकसान हो गया। आप खजांची से मिलिए और खजांची के परिवार से मिलिए, और आज उसका जन्मदिन मनाइए। हम तो चॉकलेट दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, और खिलौना भी उसको दे रहे हैं। कम से कम खेले, और इसके गांव का विकास भी हम लोग कराएंगे, और इसके परिवार की सहयोग हमेशा हम समाजवादी लोग करते रहेंगे।